इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल ने दिखाया अपने नक्शे में, क्या नेपाल भी अब भारत को आंखें दिखाने लगा? सत्ता से सवाल में हम नए सवाल के साथ हाजिर हुए। आज का सवाल है, क्या मोदी सरकार को नेपाल भी आंखें दिखाने लगा? जब से मोदी हुकूमत इख्तदार पजीर हुई है, सिर्फ जुमलेबाजी के मुल्क को कुछ भी नहीं मिला है। कहने को बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी धमकियां, अब भी बड़ी बड़ी बातों की बड़ी बड़ी सरकार, क्योंकि मुकम्मल अक्सरियत के साथ यानी पूर्ण बहुमत के साथ इख्तदार पजीर हुई यह हुकूमत, मोदी हुकूमत पर जमीनी सदाकत कुछ और होती है। अब हम पाकिस्तान की बात ही ना करें तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान भाजपा संगी भक्तों की असर खुराक है। आधे से ज्यादा इंतखाबात यहाँ पाकिस्तान के नाम से ही जीते जाते हैं। पहले सिर्फ एक दुश्मन था, पर अब देखा जा रहा है कि भारत के चारों तरफ से दुश्मन मुल्कों से घिरा हुआ है, क्योंकि हमने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात रखे ही नहीं। वैसे तो नेपाल पहले हिंदू राष्ट्रता पर हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा की हुकूमत से नेपाल का इत्तेहाद अब नहीं हो पा रहा। पहले तो बहुत बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़ा अच्छा याराना था, गहरा याराना दोस्ताना कह सकते, क्योंकि यहाँ पर समाजी और तहजीबी इत्तेहाद कह सकते हैं कि नेपाल के साथ भारत की अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी। वैसे भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ मंदिर को मुलाकात की तो बड़ी रकम बतौर इमदाद भी दिए थे, पर 2015 में ही भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किए गए और नेपाल के अंदरूनी मामलात में मोदी दखल ना दे कहा गया। वाजा रहे कि वजीर आजम मोदी ने मदेशी जमात के ताल्लुकात से कुछ कहा था जब नेपाल ने अपने आईन बदल दिया था। यह भी अहम बात है कि दुनिया में नेपाल वाहिद हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, इसे बदल कर लोकतंत्र यानी जमहूरी मुल्क बनाएगा। नेपाल ने भारत को उस वक्त भी धमकी दी थी कि अगर भारत हमें पीछे धकेलने की कोशिश करेगा तो हमारे लिए चाइना का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, और जाहिर है उन्होंने इख्तियार कर भी लिया। अब चाइना और नेपाल के दरमियान बहुत सारे कारोबारी ताल्लुकात परवान चढ़ चुके हैं। उस वक्त भारत से आने वाले हजारों ट्रकों को नेपाल की सरहद पर रोक दिया गया था। नेपाली मीडिया के मुताबिक जब भी मोदी ने नेपाल का दौरा किया है, नुकसान ही किया है बमुकाबिल फायदे के। कई अखबारों ने यह सुर्खियां बना भी दी थी कि मोदी के दौरे से नेपाली नाराज है, मोदी नॉट वेलकम ट्रेंडिंग भी चलाया जा रहा था। एक बार फिर नेपाल ने भारत को आंखें दिखाते हुए भारत के इलाकों को नेपाल के नक्शे में शामिल किया हुआ है। लिपु लेक, काला पानी, लिम्पी अधूरा जो पहले से भारतीय नक्शे का हिस्सा थे, इसे नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल कर एक तरह भारत को चुनौती दी है। नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ने यह ऐलान भी किया है कि 1962 से भारत ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया है, पर अब इस पर नेपाल का कब्जा रहेगा, कहते हुए तमाम इलाकों को नेपाल में शामिल करने का नक्शा शाया किया गया है। भारतीय आर्मी चीफ M.M. नरवणे ने कहा कि पिछले हफ्ते लिपुलेख को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर की सड़क जो धारतुला उत्तराखंड और मानस सरोवर को से होती है, इस सड़क को बनाने के काम की इफ्तिताह डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की जानिब से की गई थी, और शायद यही बात चाइना को पसंद नहीं आई और इसी के कहने पर इस हरकत को अंजाम दिया गया हो। जंगी हालात में यह सड़क बहुत अहम है जो तकरीबन 17,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है और जो अहम जगह है मानस सरोवर को जाने के लिए भी यही रास्ता है। इसकी वजह से चाइना की हरकतों पर नजर रखना आसान हो सकता है, पर 333 किलोमीटर का यह फासला नेपाल जैसा मुल्क भारत से हथियाना चाहता है। इसी महीने 6 मई को चाइना ने लद्दाख सिक्किम इलाकों में अपनी हवाई जहाज दाखिल किए थे। भारत चाइना पर बढ़ती कशीदगी भी भारत के लिए फायदेमंद नहीं है। पिछले महीने पाकिस्तानी हमलावरों की जानिब से 3 मई को हमला किया गया था जिसमें भारत के 5 जवान शहीद हुए थे। इंडियन आर्मी चीफ ने नेपाल चाइना पाकिस्तान के हमलों पर बराबर कार्रवाई का भरोसा तो दिलाया है, पर कहने का मतलब यह है कि यही वह प्रधानमंत्री है जिन्होंने भारत की जनता को भरोसा दिलाया था कि चाइना को लाल आंखें करके जवाब देना होगा। पाकिस्तान अगर एक सर काटता है तो एक के बदले 10 सर लाने का भरोसा इसी प्रधानमंत्री ने दिलाया था। चाइना और पाकिस्तान जाने दो, अब तो नेपाल भी हमें धमकी दे रहा है। आखिर किस दिशा में जा रहा है भारत देश? पहले ही देश मुकम्मल तौर पर कोरोना महामारी से जबरदस्त घाटे में चल रहा है। भारत में भुखमरी जैसे हालात है, लाखों करोड़ों के राहत पैकेजेस
गरीब को दो वक्त का खाना नहीं दे सकते, नौकरियां नहीं, कारखानों के ताले अभी तक खुले नहीं है, मजदूर नहीं है, और भारत सरकार की विदेश नीति कितनी नाकाम है इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि नेपाल जैसा छोटा मुल्क भी हमें आंखें दिखाने लगे। मोदी सरकार को लम्हे फिक्र करने की जरूरत है, यानी आत्मचिंतन की जरूरत है, वरना मोदी सरकार की गलत नीतियों की सजा कहीं आम लोगों को भुगतनी ना पड़े। इत्यादि देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।